Good morning, everyone. I hope you all had enjoyed your holidays. So today we are going to continue with our chapter New Kings and Kingdoms, and today we are going to do our exercise. Okay, I'm going to explain you the exercise. Your chapter number 2 of your history, New Kings and Kingdoms, and exercise, right? So in the very first question, you all are able to see there is the match the following. So Gurjara Pratiharas, you have to match it from the right option from the column B. So Gurjara Pratiharas were the dynasty, okay, were the dynasty which normally belong to Gujarat and Rajasthan. उन्होंने कहाँ पे located थी इनकी ये जो Gurjara Pratiharas की जो dynasty थी, normally उनका kingdom कहाँ कौन से area में था? Gujarat और Rajasthan में. Then Rashtrakutas it will match by Western Deccan. Rashtrakutas normally जो Western Deccan है, ठीक है, Deccan plateau, जो आपने अपने earlier classes में पढ़ा भी होगा Deccan plateau के बारे में. जो आपका राष्ट्रकूटास डायनेस्टी थी वो वेस्टर्न डेक्कन में लोकेटेड थी. पलास डायनेस्टी इट वाज लोकेटेड इन बंगाल में लोकेटेड थी पलास डायनेस्टी. एंड नेक्स्ट इज चोलास कहाँ पे थे? तमिलनाडु में, राइट. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर्स. सोमनाथ टेम्पल वॉज प्लंडर्ड बाय was plundered by. Plunder का मीनिंग क्या होता है? What is the meaning of plunder? Plunder का मतलब होता है कि सोमनाथ जो टेम्पल है आपका, ठीक है, उसमें उसको कैप्चर किसने कर लिया था, ठीक है, फोर्स लगा के उसको कैप्चर किसने कर लिया था. प्लंडर का मतलब होता है कैप्चर करना, राइट. So your options are Muhammad Gauri, Prithviraj Chauhan, Raja Raja, Sultan Muhammad of Ghajini. So your answer is Sultan Muhammad of Ghajini, right? Next question is, which one of the following rulers performed by the ritual called Hiranyagarbha? इसमें से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स परफॉर्म्ड बाय द रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा. वो जो हिरण्यगर्भा, ठीक है, एक आपका जो रिचुअल था वो कौन से रूलर ने परफॉर्म किया था? योर ऑप्शंस आर कादंबा मयूर शर्मन, हरिश्चंद्र, दंती दुर्गा, पृथ्वीराज थर्ड. सो योर आंसर इज दंती दुर्गा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रशस्तीज वर कंपोज्ड ऑफ. जो प्रशस्तीज थी, क्या थी प्रशस्तीज? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रशस्तीज आपकी संस्कृत में जो किंग्स एंड नॉर्मली जो किंग्स और रूलर्स थे, ठीक है, अपने बारे में जो लिखवाते थे, अपने विक्ट्रीज के बारे में लिखवाते थे, ठीक है, किसके बारे में कंपोज किया गया था, ठीक है, कौन मोस्टली किसके बारे में लिखी जाती थी वो प्रशस्तीज, किस कौन लिखता था उस प्रशस्ती को? लर्न्ड ब्राह्मण्स, किंग्स, सामंत्स और आर्मी मैन. तो योर आंसर क्या है इसका? योर आंसर इज लर्न्ड ब्राह्मण्स. जो पढ़े लिखे ब्राह्मण्स होते थे, विद्वान ब्राह्मण्स होते थे, वो कंपोज करते थे, मतलब लिखते थे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट किताबुल हिंद. किताबुल हिंद किसने लिखी थी? दंती दुर्गा, अल बिरूनी, मोहम्मद ऑफ गजनी, अल जुबरानी. किताबुल हिंद लिखी थी अल बिरूनी ने, ठीक है. हु रोट द बुक किताबुल हिंद. किताबुल हिंद किसने लिखी? किताबुल हिंद वॉज रिटन बाय अल बिरूनी. अब ये जो किताबुल हिंद था, इसमें क्या मेंशन था, किसने लिखवाया था किताबुल हिंद के? जो सुल्तान मोहम्मद थे, ठीक है, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी जो थे, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे लोगों को कॉन्कर करने में, लोगों की लैंड को कॉन्कर करने में, ठीक है. तो अल बिरूनी जो थे, सुल्तान ऑफ गजनी ने अल बिरूनी को बोला कि आप हिंदुस्तान के बारे में क्या है, किताब लिखिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. टैंग डायनेस्टी रिमेन्ड इन पावर फॉर अबाउट डैश इयर्स. टैंग डायनेस्टी कब तक रही थी आपके रूल्स में, रूलिंग में? सो टैंग डायनेस्टी जो चाइना की डायनेस्टी थी वो अप्रोक्सीमेटली 300 इयर्स तक पावर में रही. नेक्स्ट, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स रेफर्ड एज डैश एंड डैश वर द टू मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ चहमनास. जो दिल्ली और अजमेर थी वो दो मेजर सिटीज थी किसके कंट्रोल में, चहमनास के कंट्रोल में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिटी ऑफ द ब्राह्मण्स हु लुक्ड आफ्टर द ब्रह्मद्य वर कॉल्ड एज. द कम्युनिटी ऑफ द ब्राह्मण्स हु लुक्ड आफ्टर द ब्रह्मद्य वर कॉल्ड एज सभा. ऐसी कम्युनिटी ब्राह्मण्स की जो ब्रह्मद्य की देखभाल करती थी, उसके जितने भी चेयरमैन होते थे या जो भी मेंबर्स होते थे उनको सिलेक्ट करती थी, उसको क्या बोला जाता है, सभा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जर ग्रुप ऑफ उर वर कॉल्ड एज. जो उर का लार्जेस्ट ग्रुप था उसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज नाडू. ठीक है, क्या बोला जाता है, नाडू बोला जाता है. So, your next question, answer the following questions. Who were the parties involved in the tripartite struggle? ठीक है, ऐसी कौन सी parties थी जो tripartite struggle में involved थी? Tripartite struggle किसको बोला जाता है, बताया था मैंने आपको tripartite struggle के बारे में. Tripartite, तीन rulers belonging to the Gurjara Pratiharas, Rashtrakuta and Pala dynasty were the parties involved in the Tripartite struggle. Tripartite struggle जो आपके Rashtrakutas, Gurjara Pratiharas और Palas के बीच में थी. ठीक है, और ये जो Tripartite struggle था कौन से century में हुआ था, it took place in the 9th century. और ये battle था तीन मेजर डायनेस्टीज के बीच में, गुर्जारा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास और पालास के बीच में. दैट्स व्हाई इसके लिए वर्ड जो दिया गया है उसको ट्रिपिटाइट स्ट्रगल बोला गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर टेंपल्स ऑफ थांजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम फेमस. जो टेंपल्स है थांजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम वो क्यों फेमस है? ठीक है, जो टेंपल्स है आपके द बिग टेम्पल्स ऑफ थांजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाई राजा राजा एंड राजेंद्र. ठीक है, ये कौन सी डायनेस्टीज थी? आपकी चोला डायनेस्टी के ये राजा थे, राजा राजा और राजेंद्र. ठीक है, और थांजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम जो था चोला डायनेस्टी का पार्ट, मेजर पार्ट बन चुका था. ठीक है, और यहाँ के जो टेम्पल्स थे थांजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम के, ये फेमस थे बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ इट्स आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स. ये जो उसका जो आर्किटेक्चर जो बनावट थी, ठीक है, यहाँ की जो कारीगरी थी उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस था. बहुत ब्यूटिफुली यहाँ पे जो यहाँ के जो लेबर्स थे, ये जो टेम्पल है थांजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो टेम्पल्स हैं वो वहाँ का जो स्कल्पचर्स था, ठीक है, वहाँ की जो कारीगरी थी, जो टेम्पल का स्ट्रक्चर था, आर्किटेक्चर था, मूर्तियों की बनावट थी वो बहुत ही सुंदर थी. ठीक है, इसलिए वहाँ के जो टेम्पल्स है थांजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम के वो बहुत ज्यादा फेमस है. नेक्स्ट, हु वर नोन एज सामंत्स. सामंत्स किसे बोला जाता है? By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as their subordinates or samans. मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते हुए भी बताया था कि सामंत्स कौन होते हैं. तो जो नॉर्मली बिग लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, वॉरियर चीफ्स थे, जो एक जितने भी बड़े बड़े किंग्स होते थे, एग्जिस्टिंग किंग्स थे, उनके अंडर जो वर्क करते थे, ठीक है, उनको सामंत बोला जाता है. ठीक है, 7th सेंचुरी तक जितने भी बिग लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरियर चीफ्स थे, जो अपने छोटे छोटे रीजन्स को क्या करते थे, उनकी देखभाल करते थे, ठीक है, किसी किंग के अंडर में, तो उनको क्या बोला जाता है, सबऑर्डिनेट्स और सामंत्स.
Now what are prashastis? Prashastis क्या होता है? Prashastis were inscriptions that were written in praise of someone or something. Usually they were composed in praise of the rulers. Prashastis क्या है? Prashastis ऐसा inscription है जो लिखा जाता था. Inscriptions क्या होते हैं? जो walls पे लिखा जाता है, ठीक है, जो kings, queens, जो history, जब ancient time में, जो past में जो kings और थे, जो walls पे लिखवाते थे, ठीक है, उसको हम inscriptions बोलते हैं. तो inscriptions जो है normally metal के किसी प्लेट में या स्टोन्स में लिखा जाता है. तो प्रशस्टीज ब्रॉन्ज मेटल के प्लेट्स में लिखा जाता था, ठीक है, किसी को प्रेज करने के लिए, मतलब किसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी की बढ़ाई करने के लिए, ठीक है. और ये नॉर्मली देवर कंपोज इन प्रेज ऑफ द रूलर्स. नॉर्मली इनको ब्राह्मण्स कंपोज करते थे और ये जो रूलर्स होते थे, किंग्स होते थे, उनके बारे में ये अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, उनके विक्ट्री के बारे में बोलते थे. प्रेज करना मतलब कॉम्प्लीमेंट करना, उनकी अच्छाइयां बताना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क्स वर डेवलप्ड इन द तमिलनाडु? कौन सा इरिगेशन वर्क जो है तमिलनाडु में किस टाइप के जो इरिगेशन वर्क है डेवलप हुए थे, ठीक है, ग्रो हुए थे? During 5th or 6th century, the areas near the Kaveri River in the Tamil Nadu was opened up for large-scale cultivation. ठीक है, 5th or 6th century में जो Kaveri River के आसपास का जो area था, ठीक है, Tamil Nadu के पास से Kaveri River आपकी बहती है, जो आसपास का जो area था वो खोल दिया गया था कावेरी रिवर का, किसके लिए? जिससे कि एग्रीकल्चर होता रहे, पानी पानी मिलता रहे इस प्लांट्स को, क्रॉप्स को, और जिससे कल्टीवेशन ज्यादा हो, ठीक है. सो फॉर इरिगेशन अ वैरायटी ऑफ न्यू मेथड्स वर डिस्कवर्ड. इरिगेशन के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए, इरिगेशन क्या होता है? जब सिंचाई करते हैं पानी, जब क्रॉप्स को पानी देते हैं, ठीक है, तो इरिगेशन के लिए बहुत से नए नए मेथड्स को डिस्कवर किए गए. जैसे कि इन मेनी एरियाज वेल्स वर डग, बहुत से एरियाज में कुएं खुदाए गए, ठीक है, कुएं बनाए गए. ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर रेन वाटर स्टोरेज. बहुत से बड़े बड़े टैंक्स को क्या किया गया? कंस्ट्रक्ट करवाया गया, जिससे कि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा होते रहे. बेटा आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है, वहां पे नॉर्मली सब घरों में क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है. वहां पे जितना भी बारिश का पानी आता है तो हर एक घर के ऊपर क्या है, रेन वाटर, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जो बारिश का पानी आएगा उनके छत से सीधे जाके क्या है, कोई टैंक में स्टोर हो जाता है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, तो रेन वाटर उससे क्या है, स्टोर हो जाता है. तो बहुत से बड़े बड़े टैंक्स भी इस जो 5th और 6th सेंचुरी में है कंस्ट्रक्ट करवाए गए, जिससे कि रेन वाटर स्टोर हो सके. नेक्स्ट, व्हाट वर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद चोला टेंपल्स? ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज थी जो चोला टेंपल्स के लिए को लेके एसोसिएट थी, ठीक है, क्या क्या वहां पे एक्टिविटीज होती थी? सम ऑफ द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद चोला टेंपल्स वर, चोला टेम्पल्स वर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन. ठीक है, चोला टेम्पल्स जो था वो क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर था. इट वॉज द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ. इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ का हब था जो टोटल, आपको मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन के टाइम भी बताया था कि यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टेम्पल से उनका घर बार चलता था. ठीक है, यहाँ पे बहुत सी सोशल एक्टिविटी होती थी, लोग गैदर होते थे, मिलते थे आपस में, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, राइट. नेक्स्ट, द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इन टू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्क्ड एट द टेम्पल. इस लैंड से जितना भी प्रोड्यूस होता था, ठीक है, जो भी बनता था, जितने भी पैसे आते थे या जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस होता था, तो ये यहाँ पे जितने भी लोग स्पेशलिस्ट लोग थे जो टेंपल के लिए काम करते थे, वो उन सबका खर्चा मेंटेन करते थे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
What were the qualification necessary to become a member of committee of the Sabha in the Chola Empire? क्या क्वालिफिकेशन जरूरी थी चोला एम्पायर के सभा की कमेटी का मेंबर बनने के लिए? सभा बताया था ना, ब्रह्मद्य ब्राह्मण वाला जो मैंने आपको बताया था, जो उनके मेंबर्स हैं उनको सभा बोला जाता था, मेंबर्स की जो एक ग्रुप होता था उसको सभा बोला जाता था. सो क्या क्वालिफिकेशन, मतलब कि क्या क्या जरूरी होता था? The following qualifications were necessary for becoming a member of the Sabha in the Chola Empire. To become members of the Sabha, one should be the owner of the land from which land revenue is collected and should have their own home. जो भी सबसे पहला point, जो भी member होगा Sabha का, ठीक है, उसको उस land का owner होना चाहिए. मतलब वो जो land है उसकी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि जितना भी वो लैंड रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करेगा, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, ठीक है, जिससे भी वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा उस लैंड का वो जो मेंबर है उसकी लैंड होनी चाहिए, ठीक है, एंड शुड हैव देयर ओन होम, और उनका खुद का घर होना चाहिए. नेक्स्ट, वन शुड बी एज्ड बिटवीन 35 इयर्स टू 70 इयर्स ऑफ एज एंड शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास. उनकी जो एज है 35 से 70 साल की एज के बीच में होनी चाहिए और उनको वेदास का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए. थर्ड, वन शुड बी ऑनेस्ट एंड वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स. ठीक है, यू ऑल नो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो एक ऐसा उन्होंने बोला था कि ऑनेस्ट होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए जो भी मेंबर होगा, और उन्हें जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, मैनेजमेंट का जितना भी वर्क होगा उसमें वो अपनी ऑनेस्टी से काम करें. नेक्स्ट, इफ एनीवन हैज बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 इयर्स ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ द अनदर कमिटी. अगर कोई भी मेंबर किसी भी कमिटी का लास्ट 3 इयर्स में मेंबर होता है, ठीक है, तो वो किसी और कमिटी का मेंबर नहीं बन सकता. ओके, एंड नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या थी? एनीवन हु हैज नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स और of his relatives cannot contest the elections. Accounts, मतलब कि आज की डेट में भी accounts होते हैं ना, ठीक है, टैक्स कितना टैक्स दिया कितना नहीं दिया, तो उस टाइम पे भी ऐसा होता था सिस्टम. तो जिसने भी अपनी कोई भी अगर उसने अपना अकाउंट सबमिट नहीं किया है, ठीक है, या फिर अपने रिलेटिव्स का अकाउंट सबमिट नहीं किया है, तो वो इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं कर सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड राष्ट्रकूटास बिकम पावरफुल? राष्ट्रकूटास पावरफुल कैसे बने? द राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन वर द सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य ऑफ कर्नाटका. ठीक है, जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी डेक्कन में थी. डेक्कन प्लेट्यू आपको पता है, इंडिया में जो सदर्न पार्ट है आपका नॉर्मली वो डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है. तो डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन जो था, राष्ट्रकूटास जो थे चालुक्यास, जो कर्नाटका के चालुक्यास थे उनके सबऑर्डिनेट थे. It was during the mid 18th century when Dante Durga, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord. 18th century में Dante Durga ने क्या किया? Chalukya के under काम करने से मना कर दिया, ठीक है, उन्होंने एक ritual perform करा Hiranyagarbha, overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha with the help of Brahman, Brahmins की help से. During this period, it was thought that the sacrificer would be reborn as a Kshatriya, even if he was not one by birth. So, उस टाइम पे ऐसा माना जाता था, जो भी sacrificer है, जिसने sacrifice किया है, वो वापस से reborn होता है. कैसे reborn होता है? एक Kshatriya के जैसे reborn होता है. अगर उसने by birth भी अगर वो Kshatriya नहीं है, तब भी sacrifice करके, कुछ rituals करके वो Kshatriya बन जाता है. Also, they fought against the dynasties of Gurjara Pratiharas and Palas. जो दंते दुर्गा थे राष्ट्रकूटास के जो चीफ थे, उन्होंने गुर्जारा प्रतिहाराज और पालास के अगेंस्ट में भी क्या किया है? लड़ाइयां लड़ी है. Thus, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. और फिर उन्होंने राजस्थान और कर्नाटका में भी अपना किंगडम establish कर दिया. What did the new dynasty do to gain acceptance? जो new dynasties थी, नई नई जो dynasties उभर के आ रही थी,
उन्होंने लोग उन्हें एक्सेप्ट करे उसके लिए उन्होंने क्या किया. To gain acceptance, the new dynasty took on new titles and performed religious rituals to become a part of the Kshatriyas. अब जैसे दंते दुर्गा ने अपनी एक्सेप्टेंस के लिए हिरण्यगर्भा रिचुअल को परफॉर्म किया था, वैसे जो नई नई डायनेस्टीज आ रही थी वो क्या कर रहे थे, वो रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहे थे जिससे कि वो क्षत्रिय बन सके. ठीक है, दे वर रिगार्डेड एज द सबऑर्डिनेट्स और सामंत्स बाई देयर ओवरलॉर्ड्स. उनको सबऑर्डिनेट या फिर सामंत बोला जाता था पहले, फिर उन्हें उन्होंने अपने आप को बोला महासामंत आफ्टर गेनिंग द पावर एंड वेल्थ. पावर और वेल्थ को गेन करने के बाद उन्होंने अपने आप को महासामंत बोला. द न्यू डायनेस्टीज ऑल्सो एंगेज्ड देमसेल्फ इन वॉरफेयर टू असर्ट देयर पावर एंड कार्व किंगडम्स फॉर देमसेल्फ. जो न्यू डायनेस्टीज थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को the new dynasties also engaged themselves in warfare. War करने लगे. ठीक है, war करके उन्होंने powers को power assert की, फिर kingdoms established किए. तो वो क्या करते थे, war करते थे, religious rituals को perform करते थे अपनी acceptance के लिए. Next, find out more about taxes that are collected at present. Are these in cash, kind or labor service? ठीक है, आज के time पे जो आप टैक्स कलेक्ट किया जाता है हमें उसके बारे में बताना है. सो टुडे वी पे अ नंबर ऑफ टैक्सेस जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वाटर टैक्स. अगर आप कभी कहीं घूमने जाते हो या कहीं मार्केट में जाते हो तो बिल लेते हो शॉपिंग करने के बाद, उसमें आप देखते हो सर्विस टैक्स है. ठीक है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो प्रॉपर्टी टैक्स है. तो एटसेट्रा, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच वी pay today. So these taxes are in cash, not in kind, nor in labor services. Just pehle labor services ke through mein ya kind ban ke, theek hai, apne man se kaam karke taxes pay kar diya jata tha. But aaj ki date mein ye jo hum tax collect karte hain wo cash mein hai, na ki kind mein. Okay, so I hope you all understood this exercise PDF. Please complete it. Okay, and send it